बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचटी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, पंजाब असेंबली का एक बड़ा इंतखाब कल होने जा रहा है। इस हवाले से कुछ अहम खबरें, कुछ अहम ब्रेकिंग न्यूज, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा दचका लग चुका है। और इसके साथ साथ आसफ अली जरदारी ने जो कहा था कि एक बड़ा सरप्राइज दूंगा, वो क्या सरप्राइज है? और हमजा शहबाज को एक बड़ी मदद मिल चुकी है। ये तीन अहम अपडेट हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पीसी होटल लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 186 अरकीन सूबाई असेंबली इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और जबकि इमरान खान साहब भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने तमाम तर कैंडिडेट को देखा, तमाम तर सूबाई असेंबली के मेंबरान को देखा कि वहां पर पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब ने खुद गिनती करके मुतमईन होकर वहां पर खिताब किया। जबकि इस वक्त 186 एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के लिए 186 की अक्सरियत चाहिए थी, वो उनके पास मौजूद है। जबकि हमजा शहबाज भी वजारत आला के उम्मीदवार हैं पीडीएम की जानब से। इनके पास इस वक्त तक मजमुई जो तादाद है वो 179 एमपीएस इस वक्त पीडीएम के पास भी मौजूद हैं। इस वक्त पीडीएम के पास सिर्फ और सिर्फ मजीद जो तादाद उन्हें दरकार है वज़ीर-ए-आला शिप में कामयाबी हासिल करने के लिए, वो तकरीबन 8 से 10 एमपीए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आसफ अली जरदारी के लिए। मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल खामोश, आसफ अली जरदारी वो तो काम कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ वो खामोश, हमजा शहबाज भी बगैर ऐसा को बयान दिए बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है। सबसे बड़ी हेल्प क्या मिली हमजा शहबाज को? हमजा शहबाज को आज की डेट के अंदर हेल्प ये मिली कि आसफ अली जरदारी ने भी हमजा शहबाज को बेटा कह दिया है कि हमजा शहबाज भी मेरा बेटा है, मेरे बेटे की तरह है, मैं इसे बेटा मानता हूं और मैं किसी सूरत अपने बेटे को शिकस्त जो है वो शिकस्त से दो चार होते हुए किसी सूरत नहीं दे सकता। यानी कि सबसे पहले जो सपोर्ट है वो लफ्ज बेटे की है। यानी कि अब आसफ अली जरदारी हमजा शहबाज के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अभी अभी इतलात ये भी मिल रही है कि आसफ अली जरदारी एक बार फिर मुलाकात करने के लिए चौधरी शुजात के पास पहुंच गए, जहां से ये भी खबर सामने आ रही है के चौधरी शुजात की जानब से भी आसफ अली जरदारी को झंडी दिखा दी गई है कि जैसे परवेज लाई कहेंगे हम वैसे करेंगे, हम आपस में कजन हैं लेकिन पार्टी के अंदर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारा फैमिली इख्तलाफ हो सकता है लेकिन हम परवेज इलाही को किसी सूरत इस मौके पर आयन मौके पर तनहा नहीं छोड़ सकते। यानी कि उन्होंने अपनी मोहब्बत और वफादारी का चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज लाई के साथ पूरी वफादारी का सबूत दे दिया है। अब आसफ अली जरदारी के पास एक बड़ा सरप्राइज बचा है जो कल की डेट के अंदर दे सकते हैं। इस वक्त पीसी होटल लाहौर के अंदर 186 अरकान तो मौजूद हैं। अब आसफ अली जरदारी राणा सनाउल्ला की हमायत से, राणा सनाउल्ला की वजारत दाखिला को यकीनन इस्तेमाल करते हुए कल की डेट के अंदर जब ये लोग 186 अरकान पंजाब असेंबली जब ये पीसी होटल से निकलेंगे तो या तो इन्हें गायब कर दिया जाएगा 8 से 10 एमपीए, जिस तरह राणा सनाउल्ला मुसलसल बयान दे रहे हैं। लास्ट ऑप्शन जरदारी साहब के पास यही बचता है कि अगर 8 से 10 एमपीए गायब हो जाते हैं या इन्हें खरीद लिया जाता है तो इसी सूरत में हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर-ए-आला पंजाब बन सकते हैं। अबरहाल उनके तमाम दर चांसेस, तमाम तर दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है इनके पास कि अभी अभी कुछ अपडेट हमें ऐसी भी मौसूल हुई कि पंजाब असेंबली के इंतहाब से कबल जरदारी साहब ने एक बार फिर फोन घुमा दिया है। जिनको 40 करोड़ की ऑफरें थी अब उनको 1 अरब रुपए तक की भी और 1 अरब 10 करोड़ रुपए तक भी ऑफर होना शुरू हो चुकी हैं। और पीसी होटल लाहौर के अंदर फोने जो है वो जा रही है, कॉल्स जा रही है, वहां पर एमपीएस कॉल अटेंड करके सुन के इनकी ऑफर को भी ठुकरा रहे हैं। अब एक सूरत हाल फिर रिपीट कर रहा हूं, यही बच रही है कि कल जब ये पीसी आउटर लाहौर से निकले तो ये गायब हो जाएं कुछ एमपीएस, कुछ एमपीएस जो है वो पीटीआई को अलविदा कहकर वो छोड़कर चले जाएं, तो इस सूरत में पीटीआई शिकस्त से दो चार हो सकती है। और
कोई ऐसे चांसेस नहीं है। अच्छा, पंजाब असेंबली की एमपीएस के भागने की भी कुछ इतलात आई थी, सॉरी माल जो है पीसी होटल, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 186 एमपीएस मौजूद हैं, यह भी कहा जाता है कुछ एमपीएस भाग चुके हैं। और कुछ तो ऐसी खबरें सामने आई कि परवेज इलाही इतने ज्यादा जो है वो एक्साइटेड हो चुके हैं कि उन्हें अब साथ साथ डर लगना शुरू हो चुका है कि कहीं उनके एमपीएस, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमपीएस या काफ लीग के जो एमपीएस हैं वो कहीं गायब तो नहीं हो गए। जैसे ही दो चार एमपीएस आगे पीछे जाते हैं, छत पर जाते हैं या वॉशरूम में जाते हैं, तो परवेज इलाही गिनती करना शुरू कर देते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हमारे एमपीएस आखिर गए कहां। और पता चलता है कि कुछ छत पर हैं, कुछ वॉशरूम में। इस तरह की भी सूरत हाल अब पीसी होटल लाहौर के अंदर पैदा हो चुकी है। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, आसफ अली जरदारी अपना फोन तेजी के साथ घुमा रहे हैं, आसफ अली जरदारी पैसों की बोरियां खोल रहे हैं, बंदे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और हमजा शहबाज को जितवाने में वज़ीर आला पंजाब बनवाने के लिए वो हर कोशिश करेंगे, हर हर बार इस्तेमाल करेंगे और हर एरी चोटी का जोर लगाएंगे, चाहे कानून को अपने हाथों में क्यों ना लेना पड़े। आसफ अली जरदारी पंजाब की सियासत में अगर वो अपना आखिरी दांव खेलना चाहते हैं तो वो यही है कि वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवाकर ये साबित कर सकते हैं कि तमाम सियासी जमातों के आगे कि आज भी मेरा सिक्का पंजाब के अंदर चलता है, चाहे मेरी हुकूमत या सीटें पंजाब के अंदर हो ना हो, हम सिर्फ और सिर्फ सिंध के नहीं है, पंजाब भी हमारा है। अगर तो आसफ अली जरदारी का सिक्का नहीं चलता, नाकाम होता है, परवेज इलाही 186 अरकान की हमायत से पंजाब असेंबली के अंदर अपना कब्जा जमा लेते हैं और तख्त लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं, तो आसफ अली जरदारी की सियासत हमेशा हमेशा के लिए नौ नंबर खाने के अंदर बंद होकर रह जाएगी। कल का इंतहा बड़ा अहम है, उसके हवाले से हम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं और देखते हैं कि ताजा तरीन सूरत हाल क्या आती है। इसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।